सरकार तो बिजी है बहुत ज्यादा और मीडिया भी बहुत ज्यादा बिजी है, ये दिखा नहीं पा रही है क्योंकि उन्हें काम ही बहुत है भैया कि हमारे देश की बेटी ने, अभी भी पीछे एक महिला का मेडल हुआ था, हमारे देश की बेटी ने नाम रोशन करा था, तब भी मीडिया को कोई खबर नहीं थी कि हमारे देश की बेटी मेडल ला रही है। तो चलो हम दिखा दे चैनल पे, वे तो चैनलों पे बस वही दिखाएंगे जितना उन्हें दिखाने के लिए कहा जाएगा। तो ऐसे ही आज हमारे देश का जो है ओलंपिक में भी खाता खोला मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में, और सबसे पहले तो पूरे देश को बहुत सारी बधाई कि हमारे देश का मेडल हुआ, और उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे देश के लिए मेडल दिलाया, और एक सम्मान गर्व फील महिलाओं के लिए होते रहना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सोचते हैं महिलाएं क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, इस तरह के लोग हैं, तो अब तक तो पूरा मीडिया सोशल मीडिया भर जाना चाहिए उनके लिए बधाई के लिए कि भाई देश का नाम रोशन कर रहा, लेकिन मीडिया नहीं दिखाएगा, मीडिया के पास इतना टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, और वो तो बस ये दिखाएंगे नेताजी ने आम कैसे खाए हैं, है ना, नेताजी ने आज शेविंग इधर से कराई है, कटिंग या इधर से कराई है, या कुछ नेगेटिव, बस ये चीज वो दिखाएंगे, उनके पास टाइम नहीं है कि वो देश की बेटी आज मेडल लेके आई। हमारे देश में पहले ये सब चीजें नहीं हो रही थी, इनके मौसम में ही हो रही है, अभी भी हरियाणा से मेडल दिलाया और उसमें भी नए किसी मीडिया का कोई रोल रहा कुछ नहीं रहा। तो ऐसे ही आप ऐसे मेडल लाते रहिए, अच्छा लगा एक स्पोर्ट्स परिवार से एक बेटी ने फिर से इस तरीके का नाम रोशन करा, और आपके जज्बे को हौसले को सलाम, बहुत ज्यादा सैल्यूट आपको चानू जी, महिलाओं को एक सम्मान दिलाने के लिए, महिला क्या नहीं करती, लड़कियां क्या नहीं करती हैं, और ये लोग मनुस्मृति के लोग किस तरीके की हरकत करते हैं, चाहे उसमें ये हो या कोई और भी हो, महिला को बस ये रखते हैं कि महिला है, इनको दबा करके रखो, प्रताड़ित करके रखो, है ना, इस तरीके की रखते हैं सोच। लेकिन सैल्यूट आपको कि आपने फिर से एक महिला का, आपने खुद एक महिला होकर के सभी महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, आपको तहे दिल से धन्यवाद, और भविष्य में बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप मेडलों के इतने ढेर लगा दें, इतने ढेर लगा दें कि गिनने वाले तक थक जाए। और ये भी एक बड़ी बात है, ओलंपिक में खाता खोला है, एक महिला ने खोला है खाता, तो महिला कहाँ नहीं है, महिलाओं को इतना कि महिला ये नहीं करेंगी, महिला वो नहीं करेंगी, इस तरीके की सोच वाले लोग मानसिक रूप से जो बीमार हो में है उन्हें मैं ये बताना चाहूं, और जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं उनका बैकग्राउंड निकाल कर देखो कि भाई वो कितने देश के लिए मेडल लेके आए, या देश के लिए पढ़ाई करी, देश के लिए उपलब्धि प्राप्त करी, चाहे मेडल भी ना हो किसी और काम में करी उन्होंने उपलब्धि प्राप्त, जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो आपके हौसले को जज्बे को बहुत बहुत सलाम, और सभी देशवासियों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप सभी उनको बधाई, देखिए मीडिया कुछ नहीं देगा उन्हें, मीडिया नहीं दिखाएगा, आप लोग बधाई हो के सोशल मीडिया में आज उन्हीं का चलना चाहिए, सभी लोग आप उनको बधाई दीजिए कि एक महिला ने फिर से मेडल लाया हमारे देश के लिए, और उन्होंने हमारे देश का गौरव बढ़ाया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। जितनी भी स्पोर्ट्स पर्सन लड़कियां हैं लड़के हैं और जितने भी लोग हैं आप उन्हें बधाई दीजिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मीडिया नहीं दिखाएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, मीडिया अपने काम में बहुत बिजी है कि पकोड़े कैसे तले जा रहे हैं, है ना, आज नेताजी ने आम कैसे खाया, है ना, और पकोड़े जो तले जा रहे हैं वो बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं, है ना, ये सब चीजें दिखाएगा वो मीडिया। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए आज पूरे सोशल मीडिया पे, चानू जी को इतनी सारी बधाइयां दीजिए कि मीडिया जो बिका हुआ मीडिया है वो ये सोचने पे मजबूर हो जावे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है। बधाई देने वाले लोगों का मतलब इतना क्रेज हो जाना चाहिए उनको, इतना क्रेज हो जाना चाहिए कि ये लोग हिल जाए, इनका सिस्टम हिल जाए कि हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं, देश की जनता और देश की लड़कियां लड़के, देश की पूरी जनता जो है खुद बधाई दे देगी एक महिला, अब इनकी बधाई की मोहताज नहीं होगी, ये इनको लगना चाहिए। तो आप बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए उनको, और दिल से मैं तो सैल्यूट करती हूँ आपको, और आप आने वाले समय में ऐसी और सारी प्रतिभाएं आवे हमारे देश में, और लड़कियां और लड़के आगे आवे, देश को मेडल दिलावे, देश को सम्मान दिलावे, और मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग इतना सारा जुड़े, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिए उनको। जय जवान जय किसान।